नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश आज की बड़ी खबरें। उत्तराखंड सरकार के 1 जुलाई से चार धाम यात्रा शुरू करने के फैसले पर उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट ने सोमवार को चार धाम यात्रा पर रोक लगाते हुए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का आदेश दिया था। हाई कोर्ट इस मामले में 7 जुलाई को अगली सुनवाई करने वाला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा, वे राज्य जो पश्चिम बंगाल की तुलना में छोटे हैं, उन्हें हमसे ज्यादा वैक्सीन मिली है। बकौल ममता, हमें 1,99,00,000 वैक्सीन की डोज मिली, इसमें से हम 1,90,00,000 वैक्सीन लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कमी के चलते कोलकाता में बुधवार को सिर्फ सेकेंड डोज लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को कोविड 19 मृतकों के परिजन को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइंस तैयार करने का निर्देश देने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है। सरकार को मुआवजे की सही राशि तय कर पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल द्वारा कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को मिसगाइडेड मिसाइल बताने पर सिद्धू ने कहा है, गाइडेड हूँ और निशाने पर आपका भ्रष्ट बिजनेस है। बकौल सिद्धू, जब तक पंजाब की बर्बादी पर बने सुख विलास को गरीबों के लिए सरकारी स्कूल व सरकारी अस्पतालों में न बदल दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। 40 वर्ष की आयु तक के छात्र इस योजना के लिए पात्र हैं और इसके तहत उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन लिया जा सकता है। वहीं छात्र को नौकरी मिलने के बाद ऋण चुकाने के लिए 15 वर्षों तक का समय दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार झारखंड के 8 जिलों समेत देश के 25 जिलों में माओवादियों की सक्रियता अधिक है। बकौल मंत्रालय, देश में पहले 90 जिले माओवाद से प्रभावित थे, जिनकी संख्या अब 70 रह गई है। गृह मंत्रालय ने माओवादी गतिविधियों के हिसाब से झारखंड में गढ़वा जिले को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को कहा कि आंदोलनकारी किसान हमारे संयम की परीक्षा न लें। उन्होंने कहा, किसान पवित्र शब्द है, हर कोई उन्हें सम्मान देता है, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से ये शब्द कलंकित हो गया है। बकौल खट्टर, अगर किसाने हदें पार कर हिंसक होते हैं तो FIR दर्ज की जाएगी व उन्हें भी नोटिस मिलेगा। बिहार के दरभंगा जिले की कुशेश्वर स्थान सीट से JDU विधायक शशि भूषण हजारी का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। हजारी हेपेटाइटिस बी से ग्रसित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हजारी को कुशल राजनेता बताते हुए शोक व्यक्त किया और उनका अंतिम संस्कार कोविड 19 प्रोटोकॉल के अनुरूप राजकीय सम्मान के साथ होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार के हत्या मामले में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगी अब्दुल रऊफ की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। सत्र न्यायालय से बरी हुए अब्दुल रशीद को हाईकोर्ट ने दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा सुनाई। अगस्त 1997 में मुंबई के मंदिर के बाहर कुमार की 16 गोलियां मारकर हत्या की गई थी। देश में लगातार दूसरे दिन कोविड 19 के दैनिक मामलों में वृद्धि दर्ज हुई और गुरुवार को 48,786 नए मामले रिपोर्ट हुए। दैनिक मौतों की संख्या फिर से 1,000 के पार पहुंच गई और 11 राज्यों में सक्रिय मामले बढ़े। केरल में सक्रिय मामलों में सर्वाधिक 1,708, त्रिपुरा में 295 और ओडिशा में 90 मामलों की वृद्धि हुई। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि कांग्रेस में बहस व वार्ता के लिए सत्र आयोजित करने की परंपरा अब खत्म हो गई है। इसको लेकर मुझे दुख होता है। शिंदे ने कहा, आत्म मंथन के लिए बैठकें जरूरी है। हमारी नीतियाँ शायद गलत हो, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए ऐसे सत्र जरूरी है। ईंधन कंपनियों ने बगैर सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 25.50 रुपए की वृद्धि की है। दिल्ली व मुंबई में 1 जुलाई से 14.2 किलोग्राम का LPG सिलेंडर 834.50 रुपए में, चेन्नई में 850.50 रुपए और कोलकाता में 861 रुपए में मिलेगा। गौरतलब है, पिछले 6 महीने में 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर के दाम 140 रुपए तक बढ़े हैं।
डिजिटल इंडिया अभियान के 6 साल पूरे होने पर इसके लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा, टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में अनेक देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने कहा, दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु से कोरोना संक्रमण रोकने में बहुत मदद मिली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर कोविड 19 महामारी में पहली व दूसरी लहर में सेवाओं के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताते हुए कहा, वे एक अदृश्य शत्रु के खिलाफ लड़ रहे अग्रिम मोर्चे के योद्धा हैं। बकौल ठाकरे, सरकारी और निजी अस्पतालों में चिकित्सकों ने मरीजों के इलाज के लिए जान दांव पर लगा दी। कांग्रेस नेता सुशील कुमार सिंधे के पार्टी को लेकर दिए गए बयान पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, पार्टी को इस पर चर्चा करनी चाहिए, वो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। दरअसल सुशील सिंधे ने कहा कि कांग्रेस में वार्ता व बहस के लिए सत्र आयोजित करने की परंपरा खत्म हो गई है। झारखंड सरकार ने कोविड 19 पाबंदियों में नई रियायतों का ऐलान किया है जो आज से लागू होंगी। अब दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक रात 8 बजे तक खुल सकेंगी, लेकिन शनिवार व रविवार को बंद रहेंगी और सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स व रेस्टोरेंट आदि क्षमता के साथ खुलेंगे। बकौल राज्य सरकार, बस परिवहन शुरू होगा और पार्क, जिम व स्टेडियम भी खुलेंगे। गूगल ने भारत के नए IT नियमों के अनुरूप अपनी पहली मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट जारी की है। गूगल ने रिपोर्ट में कहा कि उसने अप्रैल 2021 में 59,350 कंटेंट हटाए। गूगल के अनुसार उनमें से 27,762 शिकायतें मिली, जिनमें से 96% शिकायतें कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर थी। बाकी बची शिकायतें ट्रेडमार्क, मानहानि, जालसाजी और अन्य कानूनी अनुरोधों से संबंधित हैं। IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर आप अमेरिका के डिजिटल कॉपीराइट अधिनियम का हवाला देंगे तो आपको भारत के कॉपीराइट नियमों से भी अवगत कराना होगा। उन्होंने कहा, आप मेरा पक्ष अमेरिकी कानून के एक पक्षीय मूल्यांकन से नियंत्रित नहीं कर सकते। ट्विटर ने अमेरिकी डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का हवाला देकर रविशंकर का अकाउंट अस्थायी तौर पर ब्लॉक किया था। कोविड 19 की कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कर रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने बुधवार को कहा कि जनवरी से फरवरी के दौरान 6 करोड़ वैक्सीन डोज का निर्यात किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड 19 की दूसरी लहर के बाद पूरा ध्यान भारत के लोगों पर शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि ये उस समय की जरूरत थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को शंघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल बैठक में कहा कि अन्य देशों की तरह भारत का भी मानना है कि WHO में व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। बकौल हर्षवर्धन, कोविड 19 महामारी से उत्पन्न वैश्विक संकट को लगातार विकसित हो रहे नए स्वरूपों ने और बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने 16 राज्यों के गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा के विस्तार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित भारत नेट परियोजना की कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस परियोजना में कुल 29,430 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। भारत सरकार इसमें 19,041 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के पास स्थित भीमगढ़ किले का एक शानदार एरियल नाइट व्यू का वीडियो शेयर किया है। बतौर रिपोर्ट्स, इस किले का संबंध जनरल जोरावर सिंह से है और ये किला मूलतः मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन बाद में उनके एक उत्तराधिकारी महाराजा ऋषि पाल राणा ने पत्थरों से इसका पुनर्निर्माण कराया था। पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली के जोरबाग स्थित इंदिरा पर्यावरण भवन के केंद्रीय प्रांगण में पक्षियों की गंदगी की समस्या के समाधान के प्रस्ताव मांगे हैं। मंत्रालय ने कहा, संगठन या संस्थान समाधान पेश कर सकते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हों। इच्छुक लोग 16 जुलाई तक परिसर का मुआयना कर सकते हैं। बकौल मंत्रालय, सबसे अच्छे प्रस्ताव को 1,00,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।